मेरा एक ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत, कि वर्ष बजट 2023-24 के अंतर्गत 6 करोड़ की जो सड़कें दी गई हैं, उस सड़कों में हमारे उलारिया मार्ग से कबीर आश्रम तक जो रोड दी गई है, उस रोड को भी हमने लिया गए हैं, लेकिन उसमें हमारे कई पार्षद लोगों और कई लोग से इसकी आपत्ति दर्ज कराई गई कि ये कृषि भूमि की जमीन है, इस पर किसी तरह से नहीं बनाया जाए। तो इसके लिए और दूसरा हमारा एक जैन स्वतंत्र पांद्रा पोल जो गौशाला है, उस गौशाला के ट्रस्टी के द्वारा हमें 1 बीघा 2 बीघा जो जमीन निःशुल्क दी जा रही है, उसमें हमारा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत के द्वारा वर्ष बजट 2022-23 के अंतर्गत 19 लाख का जो बजट आया हुआ है एफएसटी प्लान के लिए, उस प्लान के लिए हमें निःशुल्क जमीन दे रहे हैं। इसके लिए हमने ये सोचा कि भाई हमारे वहाँ एफएसटी प्लान बन जाएगा सरकार की जो दी गई है, और ये इधर इस तरह से इसके रोड भी बन जाए, ये भी हमने लिया गया, लेकिन इसकी भी आपत्ति दर्ज कराई कुछ पार्षदों ने और भी लोगों ने। तो हमने ये दोनों मामला हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों को लिख दिया गया, उच्च स्तरीय जो अधिकारी है वो निर्णय लिया जाएगा, वो अंतिम निर्णय होगा। लगातार जो नगरवासी विरोध कर रहे हैं, आप फिर भी सड़क बनाने की जो प्रस्ताव ले रहे हो, क्या इसके कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई क्या होगी, हम जो भी मैंने आपसे बता दिया ना, जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी है वो इसके निर्णय लेंगे, क्या ये अगर अवेलेबल है या सरकार के पक्ष में है, अगर ये बनना चाहिए तो वो निर्णय लेंगे, और नहीं बनना चाहिए तो वो भी वो निर्णय लेगा, वो सर्वसम्मति से निर्णय सही होगा। करवाई है मुख्यमंत्री जी ने, इस वर्ष वित्तीय वर्ष में सब नगर पालिका 20 किलोमीटर रोड दी है, उसमें तगतगढ़ नगर पालिका में 20 किलोमीटर रोड आई है, वो आबादी क्षेत्रों को छोड़ के कृषि भूमि खातेदारी भूमि में, जो कनेक्टिव रोड कहीं नहीं है, केवल खातेदारी भूमि में रोड खत्म होता है, वहाँ वो रोड ली गई है। बाकायदा वो रोड यहाँ से 2 महीने पहले भारत माता वो शिलान्यास का कार्यक्रम था, उस टाइम इनके निजी खर्च से WPM रोड बना चुके हैं, तो अब वो वापिस 10-20 लाख रुपये खर्च करके वहाँ रोड बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि वहाँ केवल खेत है और वह WPM रोड है और दूसरों की जैसे कच्चे रास्ता है, तो खेतों में एक प्रॉपर रोड बनाना वो एक उसका विरोध है कि उस वहाँ कट के पब्लिक जहाँ रह रही है, जो खेड़ावास, सैनिक कॉलोनी, टास्कावास, उधर वाला जो उला क्या नाम है नागचौक वाला उस साइड का जो रास्ते है, वो रास्ते अभी तक क्या नाम जहाँ पब्लिक रह रही है वहाँ अभी तक रोड नहीं है, और उनको छोड़ के तगतगढ़ से 2 किलोमीटर बाहर आबादी क्षेत्र को छोड़ के कृषि भूमि क्षेत्र में जहाँ बाकायदा WPM रोड है, तो वहाँ रोड ले रहे, तो ये मेरे दिमाग से बाहर की बात है, और पब्लिक में भी इसका विरोध है, मैंने उसका विरोध किया कि इसको कैंसिल करके पब्लिक में ली जाए। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैंने उस अधिकारियों को लिखित में कह दिया है कि भाई सड़कें आप जो निर्णय करेंगे वो निर्णय से सड़कें बनाई जाएगी। मैंने खुद उस अधिशासी अधिकारी को भी मैंने ज्ञापन दिया, और उस अधिकारी में SDM साहब और AN साहब से PWD AN साहब कल मौके पर आए थे, उनसे मैं मिला और मैंने उनको मेरे हिसाब से विस्तार से बात बता दी है, और उसके उपरांत भी अगर किसी के दबाव में आकर अगर वो रोड ली जाती है तो हम पार्षद उस न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ जाके कोर्ट में इसका इस्तेमाल मतलब स्टे के लिए हमें अप्लाई करेंगे।